यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खतौली पुलिस ने नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान बदमाशों को गिरफ्तार किया है। रूटीन चेकिंग के वक्त पुलिस ने जब सामने से आ रही पल्सर बाइक को रोकने की कोशिश की तो उस पर सवार तीन लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा करने की कोशिश की तो बाइक सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई जिसमें बाइक सवार एक बदमाश घायल हो गया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर घायल को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से देशी कट्टा और कारतूस बरामद किया है। इंस्पेक्टर खतौली अपनी पूरी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे अलकनंदा पुल पे, तभी एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पे दो व्यक्ति आ रहे थे। उन्हें रोकने का प्रयास किया, उनके द्वारा अपनी मोटरसाइकिल नहीं रोकी गई, उनका पीछा किया गया। इसी पुल के पास आके फिर उन्हें ललकारा, पुलिस ने नहीं रुके और पुलिस पे जानलेवा हमला किया, जिसमें पुलिस के द्वारा भी अपने आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम गुलजार सनोफ रमजानी बताया है और थाने में उसका बृहत आपराधिक इतिहास है, अन्य थानों में भी उसका इतिहास है। उससे पूछा गया दूसरे साथी के बारे में तो उसके बारे में भी बताया है कि तौसीफ उर्फतुल्ला, जो यहाँ का बहुत ही शातिर अपराधी है, यहाँ हत्या लूट डकैती सभी मुकदमे हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज भी ये किसी गंभीर घटना को अंजाम अवश्य देते।